اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين من تبيهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. محترم هزرات وخواتين فتنه اسقي اقسام असबाब सदेबाब और इलाज इन तमाम बातों को लेकर और इन तमाम चीज़ों का एक नया सिलसिला एक नई सीरीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ इसमें हम लोग ये मालूम करेंगे फितना क्या है फितना किसको कहा जाता है फितने की संगीनी और ख़तरनाकी क्या है कि ये फितना शरीयत की निगाह में कितना ख़तरनाक है कितना संगीन है कितना अंदोहनाक है और इसके मुजिर असरात क्या है कितना नुकसान दे है ये और शरीयत ने किन किन चीज़ों को फितना कहा है और किन किन रास्तों से ये फितने आ सकते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों से पना मांगने का हुक्म दिया है और फिर इन फितनों से हम कैसे बच सकते हैं इनका सद्देबाब बाब क्या हो सकता है तो इनके अकसाम असबाब और, और सद्देबाब, बाब यानी इनको कैसे रोका जा सकता है फितनों का इलाज कैसे हो सकता है एक बहुत ही अहम और लंबा मौजू है इल्मी मौजू है और हालात के अतबार से बहुत ज़रूरी मौजू है क्योंकि आज का ज़माना आज का दौर पुरफन दौर है फितने का ज़माना है पूरी तरह से फितने से घिरा हुआ है फितने से पुर हैं हर जगह फितना घर में फितना बाहर फितना इबादत गाहों में फितना इल्मी तालीमी इदारों में फितना सियासत के मकाम पे फितना महकमों में फितना गर्ज इंसान के जेब जेब में फितना हाथ हाथ में फितना घर घर में फितना गली गली में फितना कुचो कुचों में फितना फितने में पूरा माशरा पूरी तरह से घिर चुका है पुरफितन दौर है ये हर दिन का एक नया फितना होता है फितना हर दिन नया जन्म भी लेता है और हर जगह पर छाया हुआ है ऐसे हालात और माहौल में बहुत जरूरी है खूस एक मोमिन के लिए एक मुसलमान के लिए कि वो मालूम करे फितने क्या क्या हैं और इन फितनों की राहें क्या क्या हैं इसबाब क्या क्या हैं और इन फितनों से कैसे बचा जा सकता है ताकि अपने दीन व ईमान की हिफाजत हो सके और हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सके हजरात इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपके सामने सूरतुल अनकबूत, सूरा नंबर उनतीस और आयत नंबर एक दो और तीन पढ़ी है। अल्लाह ताला ने फरमाया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अलिफ़ लाम़ मीम अहसीब क्या लोगों ने ये तस्वबर कर लिया ये गुमान कर लिया है अहसीब नास आयु तरकू के उनको यूं ही छोड़ दिया जाएगा आया कुलु आमन्ना के उन्होंने ये कहा कि हम ईमान लेकर आए क्या लोगों को सिर्फ इस बात पर छोड़ दिया जाएगा कि वो ईमान लेकर आए ईमान लाने के बाद उनकी आजमाइश नहीं होगी फितने में मुबतला नहीं होंगे उनका इम्तहान नहीं होगा ऐसी बात नहीं है वह हमला युफनून उनको आजमाया नहीं जाएगा फितने में मुबतला नहीं किया जाएगा फितने से दो चार नहीं होंगे क्या लोगों ने यह तस्वर कर लिया क्या लोगों ने यह सोच लिया कि ईमान लाने के बाद उनको यूं ही छोड़ दिया जाएगा हमला इफ्तानून उनको आजमाया नहीं जाएगा बात ऐसी नहीं है फितने में मुब्तला किया जाएगा फितने से दो चार होना पड़ेगा अल्लाह ने फरमाया फितने की तारीख दोहराते हुए वलाकद फतनाल् लजीना मिन क़ब्लिहिम हमने जरूर आजमाया उनसे पहले वाले लोगों को उनसे पहले वाले लोगों को हमने फितने से दो चार किया फितने में मुबतला किया वलकद मिन आदम अलैहि सलाम से लेकर ईदम तक फितने का सिलसिला चले आ रहा है चलता जाएगा कयामत की सुबह तक ये सिलसिला जारी रहेगा इंसान की जिंदगी में पैदाइश से लेकर फितना शुरू होता है मरते दम तक ये फितना रहता है क्या इसे आगे हम मालूम करेंगे पैदाइश के वक्त में शैतान आकर फितने में मुबतला करने की कोशिश करता है वफात के वक्त भी शैतान आकर फितने में मुबतला करने की कोशिश करता है इंसान की जिंदगी पैदाइश से लेकर वफात तक फितने में दो चार होती है इंसान की जिंदगी में फितने कदम कदम पर हैं इसीलिए याद रखे मेरे भाइयों हमें जानना बहुत जरूरी है और ये फितना अल्लाह क्यों लाता है

पहले का बाद का हाजिर गायब का हर चीज का इल्म है यहां पर इल्म का मतलब है अल्लाह ताला जाहिर कर दे अल्लाह अल्लाह ताला दूसरों को कराएं। को मालूम तो पता है अल्लाह ताला, ताला दूसरों को मालूम कराए और अल्लाह ताला जाहिर कर दे पता कर दे और अल्लाह तबरक ताला लोगों में इजहार कर दे क्योंकि इल्म के माने आलम कहते हैं अरबी जबान में निशानी को निशानी को अलामत को तो अल्लाह ताला बता दें जाहिर कर दें ये भी माना आता है अलम होता है जाहिर करता है कि देखो हाँ इतनी दूरी पर है ये मुसाफत है ये चीज है बोर्ड से ये पता चलता है उसको अलम कहा जाता है झंडे को अलम कहा जाता है झंडे से पता चलता है तो मालूम हो जाता है अल्लाह ताला मालूम करा दे अल्लाह ताला दूसरों को जाहिर कर दे और अल्लाह ताला झूठों को झूठों का भी पर्दाफाश करें सच्चे कौन है झूठे कौन है ईमान में पक्के कौन है सच्चे कौन है इसका अंदाजा लगा दें और इसको जाहिर कर दें और झूठे कौन है यह बात मालूम हुई कि इंसान की जिंदगी फितने में मुबतला होगी और ये फितना शुरू से आखिर तक रहेगा कदम कदम पे फितना रहेगा फितने में हमें दो चार होना पड़ेगा लेकिन हमें फितने से महफूज रहना चाहिए जब हमें किसी चीज का इल्म हो, तभी हम उससे दूर हो सकते हैं तो फितना, उर्दू ज़बान में देखिए फितना बहुत ही महदूद माने में इस्तेमाल होता है बहुत महदूद माने में इस्तेमाल होता है फितना यानी दोनों के दरमियान लड़ाना या किसी चीज में दखल करना या एक गलत तरह के माहौल पैदा करना क्रिएट करना उसको कहते हैं कि फितना मत बनो फितना मत फैलाओ उर्दू में बहुत महदूद तस्वर हैं हमारी जबान में दीगर जबानों में अरबी में फितना बहुत वसी माना रखता है आइए सबसे पहले हम आज के दरस में ये मालूम करते हैं कि फितना किसको कहा जाता है फितना किसको कहा जाता है कुरान हदीस में दसियों चीजों को फितना कहा गया कुरान में अल्लाह ताला ने लफ्ज़ फितने के साथ 22 जगहों पर बयान किया लफ फितना और फतन्ना युफनून और इसी तरह से दीगर उसके मुश्तक के साथ कई जगहों पर अल्लाह जिक्र किया हादिस में प्यारे नबी सल्ला व्ल्लम ने बीसियों चीजों को फितना कहा है बीसियों चीजों को अल्लाह तसूल ने और कई चीज़ों को फितना कहा और प्यारे नबी सी वसम ने फितनों के बारे में पूरी वजाहत फरमाई इशारे में किनाए में सरात के साथ और इशारे में अल्लाह के रसूल ने फितनों की वजात फरमाई है फितना किसको कहा जाता है फितना सबसे पहले लुघवी अतबार से फितना कहा जाता है फतना यफ्तिनु, फितना जिसके माने हैं इम्तिहान, आजमाइश आजमाना परखना जांचना परखना या जांचना इसको फितना कहा जाता है इसको और वासे अंदाज में समझना चाहें तो सुनार लोहे सोने को पिघलाता है गर्म करता है उसके बाद तपाने के बाद मालूम करता है है कि सोना खरा है या खोटा है इसको अरबी जबान में कहा जाता फितना अरबी जबान में इसको फितना कहा जाता है यानी सोना खरा है या खोटा है आग में तपाने के बाद गर्म करने के बाद उसके बाद मालूम होता है यही माना है शरीयत की जबान में भी अल्लाह ने यही कहा अभी मैंने सरतुल्लान कबूत की जिब्तदाई आयतें पढ़ी हैं उसमें अल्लाह ने यही कहा कि मोमिन ईमान लाने के बाद अब ईमान में खरा है या खोटा है उसको तपाया जाएगा उसको पिघलाया जाएगा उसको जलाया जाएगा और उसको आजमाने के बाद तपाने के बाद उसके खरापन या खोटापन को मालूम किया जाएगा यही फितना है इसी को फितना कहा जाता है हजरात से में कहा जाता है, भी फितना क्या है? ऐसी हालत फितना ऐसी चीज है जिसके जरिए से इंसान की अच्छी बुरी हालत मालूम होती है अच्छी बुरी हालत की पहचान होती है वही मामला और एक ऐसा मामला है तो उमूर जो बातिन के बातिनी अंदरूनी मामलात को जाहिर कर दें कि आदमी हकीकत में क्या है ऊपर से लग रहा कि सोना है लेकिन हकीकत में वो सोना है या नहीं है ऐसा ही मालूम नहीं होगा उसको तपाना पड़ेगा गर्म में आग में तपाकर उसके बाद उसका खरापन खोटापन मालूम किया जाता है यही असल में फितना है मेरे भाईओ फित अगर हम और आप मुख्तरअ दो चार अल्फाज में समझना चाहें फितना इंसान को अपने दीनों ईमान से दूर करने वाली चीजों को फितना कहा जाता है मकसद वजूद और मकसद तख्लीक हयात से इंसान को हटाने वाली चीजों को फितना कहा जाता है इंसान की तखलीक का मकसद क्या है अल्लाह तरमा छप्पन में अल्ला ने फरमायाब मैंने इंसान जिन्नात को मैंने जिन्नात इंसान को इसीलिए पैदा किया ताकि वो मेरी यानी अल्लाह की इबादत करें अल्लाह ने इंसान और जिन्नात की तखलीक का मकसद बयान करते हुए फरमाया अल्लाह की इबादत और बंदगी बंदा बंदा उस वक्त तक कहलाएगा जब तक बंदगी करे बंदे का काम है बंदगी करना और इस्लाम खुलासे के तौर पर यह कहता है कि देखो अल्लाह की बल बंदा बंदे रब की बंदगी करें और अल्लाह के बंदों के साथ उसने सलूक करे यानी हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद से हटाने वाली जो चीजें हैं वो फितना है कूक इबाद, अल्लाह की बंदगी और अल्लाह के बंदों के साथ उसने सलूक, उनके की अदायगी से जो चीज हमें दूर कर दे और रुकावट पैदा कर दे या हमें सुस्त और काहिल बना दे ये सारी चीजें फितना है ये सारी चीजें फितना है खुलासे के तौर पर आज के दरस में हमने ये मालूम किया कि फितना किसको कहा जाता है फितना क्या है से, अरबी जबान के हिसाब से अतलाही से शरीत की निगाह में फितना किसको कहा जाता है कि फितना वो है कि जिसके जरिए से तपा के गर्म करके एक इंसान की असलियत मालूम हो हकीकत मालूम हो एक चीज की हकीकत मालूम हो और फितना वो है शरीयत की निगाह में जो इंसान को उसके ईमान के रास्ते से इबादत के रास्तों से इताद के रास्तों से बंदगी के रास्तों से हुकोकल्लाकुकुल इबाद के रास्ते से दूर कर दे हटा दे या रुकावट पैदा कर दे या गलत चीज़ों में मुब्तला कर दे या सुस्त और काहिल बना दे इन सारी चीज़ों को फितना कहा जाता है इसको वासे, वासे अंदाज में समझना चाहें तो अल्लाह तुरतुल्बक कुरान में सबसे पहला जो फितना लफ आया है वो है की आयत 102 में, जो के इनको जादू का तरीका सिखाओ और उनसे ये कहो इन नहनो फित हम तो फितने के लिए आए हुए हैं फितने के तौर पर आए हैं यानी तुम्हारे ईमान और अकीदे की आजमाइश है कि तुम ईमान पे डटे रहते हो जमे रहते हो या जादू सीख कर फितने में मुबतला हो जाते हो ये फरिश्ते आए थे फितने के लिए जादू और जादू ये तरीका ये फितना है इंसान को दीन से ईमान से अकीदे से दूर कर देता है और दुनिया कमाने के पीछे मुबतला कर देता है दुनिया के पीछे भागने लगते हैं जादू के जरिए से तो फरिश्तों ने कहा फितना तुम्हारे मान औलाद तुम्हारे लिए फितना है तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए फितना है कुरान ने दसियों मुकामात पर बाईस जगहों पर फितने के लफ्ज के साथ मुख्तलिफ चीजों को फितना कहा है इनशा आगे हम मालूम करेंगे कि फितने की संगीनीत क्या है संगीनी क्या है खतरनाकी क्या है ये फितना कितना खतरनाक है कितना कितना इंसान को बर्बाद कर सकता है और नबी ने फितने को कितना बहुत ज्यादा सीरियस लिया है आगे इनशा मालूम करेंगे दुआ करते रबीन से अल्लाह और आपको फितनों से महफूज रखे खुलासा कलाम आज का ये हुआ कि आज हमने फितना क्या है इसको मालूम किया है फितना वो है जो इंसान को दीन से बेदीन बना दे दीन के रास्ते में रुकावट पैदा कर दे और उसमें सुस्त और काहिल बना दे ये फितना है इससे हमें दूर रहना चाहिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सोचने समझने की अता फरमाए फितनों से महफूज रखें आमीन व आलमीन